नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है तो आपको यहां पे बार बार आप ये भी देखते होंगे अकाउंट चेक करके कि मेरा पैसा आया या नहीं। आपको मैं यहां पे पूरी जानकारी दूंगा। आप ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पे जाके यहां पे पता कर सकते हैं कि हमारा यहां पे पैसा अकाउंट में आया है या नहीं आया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड आप कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ वीडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपको इस टाइप का इंटरफेस एक ओपन होता हुआ दिखाई देगा। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या लिख के सर्च करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, UPSSB लिख के सर्च कर देना है। कुछ कोरोना के गाइडलाइन है, आपको उन पे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको यहाँ क्रॉस वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश संगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस टाइप का इंटरफेस। आपको यहाँ स्क्रॉल करते हुए अगर आप ई श्रम कार्ड का आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे आप जब नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है, भरण पोषण भत्ता योजना। ठीक, आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस टाइप के आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो जब आपने ई श्रम कार्ड बनवाया था उस टाइम पे जो आपने मोबाइल नंबर लगाया था, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको सबमिट करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने यहाँ पे कीबोर्ड को यहाँ छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ सिंपली इधर ले आता हूँ इसको, और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना तो नहीं दिखा सकता। और मैं यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर आप साथ साथ में यहाँ पे नोट कर सकते हैं मेरे साथ में, और यहाँ पे आप भी अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे नंबर नोट कर दिया है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एक बार हम नंबर मैच कर लेते हैं, यहाँ पे एक मेरा मिस्टेक था, मैं जिसको सही कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नंबर यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर इस नंबर से अगर कभी भी अकाउंट बना होगा तो वो तुरंत आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका नंबर दूसरा है तो यहाँ पे आपका शो नहीं होगा, कहेगा कि ये अभी ऐसा कुछ इंटरफेस हुआ नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो जिनके भी नाम पे है आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो रहा है, नंबर भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 1000 रुपये यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब एक किस्त आ चुका है। ऐसे करके जितने भी आते हैं सारा कुछ का ब्यौरा आपको यहीं मिल जाएगा। तो अभी इनका एक ही बार आया है, अभी दोबारा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर एक ही दिखा रहा है। अब हम यहाँ से सिंपली कैंसिल कर देंगे। अगर आपको दूसरे किसी का फिर चेक करना है आप यहाँ पर जाके रिसर्च से जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपको ये चीज़ करना है। और रजिस्ट्रेशन वाली बात रही तो आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया गया है, आपका यहाँ पे यूज़र आईडी डालना होता है, जैसे कि जनसेवा केंद्र वाले लोग हो गए, उसके बाद यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।